Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Hello friends, you are watching Digital Udit. आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेबसाइट स्पीड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. तो एक वीडियो इसका मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जो आप देख सकते हैं. मैंने उसमें डेफर और असिंक के बारे में बताया था. वर्डप्रेस और स्टैटिक वेबसाइट में दोनों में कैसे करेंगे वो हमने डिस्कस किया था. आज के वीडियो में हम देखेंगे जैसे वेबसाइट स्पीड में दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक इमेजेस और एक वीडियो जो उसको स्लो कर सकती है. तो लेट सपोज कई साइट्स होते हैं जिसमें बहुत सारी इमेजेस होती हैं, कई होते हैं जिसमें वीडियोज़ भी होती हैं. यूजली हम वीडियो यूट्यूब से एम्बेड करते हैं, स्टिल लोडिंग उसकी बढ़ाता है. तो उसको हम कैसे टेक केयर करेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको इमेजेस और वीडियोज़ को कैसे डेफर करते हैं. डेफर का मतलब पहले भी बता चुका हूँ, डेफर मींस हम उसकी जो लोडिंग है इमेजेस की और वीडियो की उसको पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं. तो पहले हमारा पेज लोड होगा, मींस जो HTML है वो लोड होगा, कंटेंट टेक्स्ट लोड होगा, उसके बाद इमेजेस और वीडियोस लोड होंगी. तो एक एक करके बात करेंगे, पहले इमेज की फिर वीडियो की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाउ टू इम्प्रूव वेबसाइट स्पीड यूजिंग डेफर ऑन इमेजेस एंड वीडियोज. तो पहले हम बात करेंगे इमेजेस की. तो जैसे आप देख सकते हैं कि इमेज जब भी आप कहीं पे लगाते हैं, चाहे स्टैटिक वेबसाइट की बात करें, तो उसका जो कोड रहता है वो रहता है IMG SRC, एंड जो इमेज का पाथ होता है वो यहाँ पे आता है. सपोज आपकी इमेजेस इमेजेस के फोल्डर में पड़ी हुई है, तो इमेजेस स्लैश, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, इमेजेस स्लैश लोगो डॉट png, तो ये इसको इमेज का पाथ बोलते हैं. तो हम चाहते हैं कि जो इमेज है, जैसे लोगो तो टॉप पे होता है तो इस पे तो हम नहीं लगाएंगे ये, ठीक है ना, लेकिन हम रिमेनिंग इमेजेस जो मे बी शायद थोड़ी सी हैवी है या जिसका साइज़ बड़ा है या जो बॉटम ऑफ द पेज है, जो जिनका लोड होना इनिशियली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले इंपॉर्टेंट है टॉप ऑफ द पेज की इमेजेस लोड होना. तो टॉप ऑफ द पेज इमेजेस में नहीं लगाएंगे, लोगो में नहीं लगाएंगे, लोगो भी उसी का पार्ट है. बॉटम में जो इमेजेस हैं उसमें हम ये लगा सकते हैं. वैसे तो वेबसाइट्स में आजकल एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं लेजी लोडिंग. जैसे जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे पेज भी तभी लोड होगा. तो सपोज अगर आपकी वेबसाइट में लेजी लोडिंग नहीं लगा हुआ, मैंने लास्ट वीडियो में एक आपको प्लगइन बताया था जिसका नाम था WP Rocket. तो WP Rocket के अंदर ऑलरेडी एक ऑप्शन था लेजी लोडिंग, जिसको हमने अनेबल कर देना, तो ऑटोमेटिकली वो लेजी लोडिंग अनेबल हो जाएगा साइट पर. और जैसे जैसे आप सेक्शन स्क्रॉल करेंगे तभी वो लोड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा. तो अगर लेजी लोडिंग के बिना करना चाहते हो तो हम उसको डेफर भी कर सकते हैं कि इमेजेस सारी बाद में लोड हों, पहले टॉप ऑफ द पेज कंटेंट लोड हो जाए प्लस कंटेंट जो आपका टेक्स्ट है वो लोड हो जाए. तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो इमेज का नॉर्मल आपका ये जो आपको एक टैग दिख रहा है इसको हमने थोड़ा सा चेंज करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट. तो ये जो जावास्क्रिप्ट है, ये जो आपको स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट दिख रहा है, ये आपको अपनी वेबसाइट के हर पेज में बॉडी फिनिश होने से पहले डालनी है. ओके, तो स्टैटिक वेबसाइट में हम नॉर्मली हर पेज पर जाएंगे और बॉडी जहाँ पर फिनिश हो रहा होगा उससे पहले डाल देंगे. डायनामिक वेबसाइट में कैसे डालेंगे, एक प्लगइन आता है इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स. वो प्लगइन लेके जैसे ही आप उसको इंस्टॉल एक्टिवेट करेंगे दो बॉक्सेस आएंगे. टॉप वाले बॉक्स में आप जो भी डालेंगे वो ऑटोमेटिकली हेड सेक्शन में जाएगा, बॉटम वाले बॉक्स में आप जो भी डालेंगे वो ऑटोमेटिकली बॉडी सेक्शन में जाएगा. तो आपको ये जो टैग है, जो स्क्रिप्ट है, ये आपको बॉडी सेक्शन में डालनी है. ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के हर पेज पे वो इंस्टॉल एक्टिवेट हो जाएगा वो ये जो टैग है. और ये जो ऊपर वाला पार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, या आप जहाँ जहाँ पे भी इमेजेस पे ये आप जो डेफर करना चाहते हैं सिर्फ वहीं पे लगाएंगे. तो जैसे आप देख रहे हैं IMG SRC और पाथ, पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि IMG SRC एंड कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे. तो बेसिकली ये जो आपने स्क्रिप्ट लगाई है उसको सपोर्ट करता है. तो आपने ये जो एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ पे आएगा, कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं. और जो चीज़ हमारी पहले सोर्स में आ रही थी, सोर्स में वही चीज़ अब सेम कहाँ आएगी, डेटा सोर्स में. तो जो सोर्स है वहाँ पे ये कोडिंग आएगी प्री डिफाइंड, और जो सोर्स था वो कन्वर्ट हो जाएगा डेटा सोर्स के अंदर. तो दिस वे आप अपनी किसी भी इमेज को डेफर कर सकते हैं, और ये करने से आपकी इमेज पेज लोड होने के बाद लोड होगी. तो इससे आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है, जो यूज़र फ्रेंडलीनेस है, वो इम्प्रूव होगा. तो आप ये चीज़ इमेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं हम वीडियोस पे. तो जैसे अगर आप वीडियो चाहे वीमियो से चाहे यूट्यूब से अगर एम्बेड करते हैं तो कुछ ऐसा कोड आता है, iframe, width, height, source, data source. ओके, तो यहाँ पे जो एक चीज़ आप देख रहे होगे, जो नॉर्मली आपका जो पाथ होता है
जो नॉर्मली वीडियो का जो यूआरएल होता है वो सोर्स के अंदर होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो वो चीज़ डेटा सोर्स में है। तो यहाँ पे भी इमेज जैसा करना हमने, जैसे इमेज में आपने देखा जो सोर्स था उसके अंदर कुछ कस्टमाइज कोडिंग आ गई और डेटा सोर्स के अंदर इमेज का पाथ चला गया। सेम वे यहाँ पे भी जो सोर्स में था वो ऑटोमेटिकली कहाँ हमने डाल दिया, डेटा सोर्स में। और इस केस में सोर्स को हमने ब्लैंक रखना है, यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड कोडिंग नहीं आएगी, आपको सिर्फ इसको ब्लैंक रखना है। तो सोर्स को ब्लैंक कर देंगे और जो सोर्स में था एग्जिस्टिंग कंटेंट, जो यूआरएल था, जो लिंक था वीडियो का, उसको आप डेटा सोर्स में डाल देंगे और डेटा सोर्स एक एडिशनल चीज़ आपके आई फ्रेम कोड के अंदर ऐड हो जाएगी। और सेम वे जैसे एक स्क्रिप्ट थी इमेज को डेफर करने के लिए, एक और स्क्रिप्ट है वीडियोस को डेफर करने के लिए। जैसे देखते हैं डिफरेंस क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है IMG डेफर और यहाँ पे लिखा हुआ VID डेफर, तो ये वीडियो डेफरिंग का कोड है और ये इमेज डेफरिंग का कोड है। तो ये दोनों चीज़ें आप यूज कर सकते हैं अपनी स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक वेबसाइट में। तो प्रोसीजर सेम रहेगा, स्टैटिक में डालेंगे तो बॉडी क्लोज होने से पहले हर पेज में जाकर डालना पड़ेगा या उस पेज पर जिस पे आप वीडियो यूज़ कर रहे हो। डायनेमिक के अंदर आप सेम प्लगइन यूज़ करेंगे, इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स, उसमें आप ये बॉटम वाले बॉक्स में डालेंगे और जहाँ पे भी आप YouTube का वीडियो यूज़ कर रहे हैं पेज पे, ये जो कोड आपने YouTube से लिया होगा डालने से पहले इसमें आपने क्या करना है, सोर्स के अंदर जो URL है उसको आपने वहाँ से कट कर लेना है, सोर्स ब्लैंक हो जाएगा। एक नई फील्ड बनानी है data-source और वो जो URL है वो आप इसके अंदर पेश कर देंगे। तो बहुत सिंपल है ये, बहुत इम्प्रूव करेगा आपकी वेबसाइट की स्पीड। तो यूज़ करके देखिए, अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।